कल ही हम लोगों ने बात की थी आपकी मानव विकास सूचकांक के बारे में। आज बात करते हैं हम लोग मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए। जो भी इस तरह के इंडेक्स होते हैं उनसे हर बार क्वेश्चंस एक दो आपके पूछे जाते हैं, और इसमें विशेष तौर पर आपको याद रखना होता है कि कौन इसे जारी करता है और किन आधारों पर इसे बनाया जाता है, जारी किया जाता है। और भारत की स्थिति क्या है, करंट में भारत की स्थिति क्या है, पिछले साल भारत की स्थिति क्या रही थी, टॉप पर क्या है, कौन है और नीचे से टॉप कौन कर रहा है, और हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान हो, फिर चाहे आपका अफगानिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, फिर चाहे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके म्यांमार, इनके बारे में भी विशेष तौर पर आप लोग याद रखा करिएगा। ठीक है, यही मेन पॉइंट है इसके। और आपके वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, आपकी प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में भी, फिर चाहे वो सिविल सर्विस का हो या स्टेट पीसीएस का हो, उसमें भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, यानी कि 2020 में जारी किया गया है, और आप देखेंगे इसमें 162 देशों की, इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 111वें स्थान प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारी कोई अच्छी स्थिति नहीं रही है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक क्लास में आपके 162 बच्चे हैं, उसमें से हमारा स्थान कौन सा है, 111वां। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने नीचे से टॉप किया है, ना कि ऊपर से टॉप किया है। और इसमें देखेंगे मानव स्वतंत्रता सूचकांक की तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा 2008 से 2018 तक के डेटा का उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। तो याद रखिए इन दोनों एजेंसियों को, एक तरह से कैटो इंस्टीट्यूट ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और दूसरी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये आपका कनाडा में, यही तैयार करती है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी आई हुई है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 19 में आपके यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक तरह से आप बोल सकते हैं, घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, कोई आप लोग संगठन भी बना सकते हैं। तो इस पर काफी एक तरह से प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, मतलब काफी स्वतंत्रता में व्यक्ति के एक तरह से ह्रास देखने को मिला है। और इसलिए आप देखेंगे हमारे देश में भी आजकल आप देख रहे हैं कि अगर आप कुछ बोल देते हैं तो या तो आपको आतंकवादी कह दिया जाता है या फिर देशद्रोही कह दिया जाता है, समझ रहे हैं। अगर आप अपने हक की मांग भी करते हैं तब भी आपको इस तरह की शब्द सुनने को मिल जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी, आप समझिए एक बात हमेशा याद रखिए, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग आंसर में लिखिए, लेकिन ये आप लोगों ने गौर दिया करेगा, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सभी एजेंसियों को झुकाओ केंद्र सरकार की तरफ रहता है। केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, आज बीजेपी की है कल कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस पर भी कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता था, आप समझ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक अवमानना केस में आपने देखा होगा, कुलभूषण, प्रशांत भूषण वाले मामले में, उसमें आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट अपना ही बिछाए जाल में फंस चुका था, किस तरह से कई इस तरह के मामले। अभी कल, आज या कल जब भी टाइम मिलता है, एक और केस है उस पर भी बात करेंगे हम लोग, तो आप समझिए इसी की बात कर रहा हूं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों को कवर किया गया है, यानी कि 76 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है। व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2019 में सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी थी, 94। इस प्रकार भारत की रैंक में 17 पायदान नीचे हुई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। अभी या हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, फिर चाहे कर्नाटक हो, इन्होंने क्या किया कि एक धर्म परिवर्तन के नाम पर जो शादी होती है उन पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाए हुए हैं, उसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस भी आया हुआ था कि अपनी मर्जी से शादी किस आर्टिकल के तहत आप लोग कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा आर्टिकल 21 के तहत, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी हमारा एक तरह से व्यक्ति के स्वतंत्रता पर एक
घातक हमला है। इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझिए कि हम किससे शादी करते हैं, वो किस जात की, किस समूह की, किस धर्म की है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी मर्जी, हम क्या करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो पिछले 2019 में आपकी 94 स्थिति थी और अभी 2020 में 111 स्थान पर है, यानी कि हम लोग 17 पायदान नीचे गिर चुके हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110 स्थान पर और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105 स्थान पर है, जबकि भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में समग्र स्कोर 10 में से आपका 6.43 है। कहने का मतलब है कि 10 है, 10 नंबर है, उसमें से भारत की स्थिति क्या है, 6.43। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है, उसके बाद आप देखेंगे स्विट्जरलैंड और उसके बाद देखेंगे हांगकांग का स्थान है। देखिए यहां बात कर रहा हूं, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, एशिया में, ठीक है। और अगर अगर हम लोग न्यूजीलैंड है जो प्रथम स्थान पर आए, ये है आपका न्यूजीलैंड, इसे भी याद रखिए, ठीक है। और भारत की अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग, तो इसमें भारत से बेहतर नहीं है। सूचकांक में चीन को 129 स्थान मिला है, बांग्लादेश को 139 स्थान मिला है और पाकिस्तान को 140 स्थान मिला हुआ है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए ये कोई खुशी नहीं है कि हमारा पड़ोसी पीछे है तो हम भी पीछे हैं, कोई मतलब नहीं है, है? वही है कि किसी ने पूछा कि वो तुम्हारा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पापा उसका मतलब बेटा भी फेल हो गया, तो उसने कहा कि वो मास्टर का बेटा भी फेल हो गया। तो बाप ने पूछा कि तुम्हारा क्या रहा, मैं पूछ रहा हूँ, तो बोले जब वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया। तो ये कोई खुशी नहीं है कि हमारा पाकिस्तान पड़ोसी, ये है पाकिस्तान आपका, ऊपर अफगानिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश, ये पीछे हैं तो हम लोग भी उन्हीं पीछे में शामिल हो जाएं और खुशी मनाने लग जाएं। नहीं, हमें अगर बराबरी करनी है तो कम से कम ऐसे व्यक्ति से करें जो तरक्की पर हो, ना कि ऐसे जो बिल्कुल नीचे से, आप समझ रहे हैं, नीचे पर हो। आपको तरक्की करनी है तो आप लोग कह सकते हैं इंडोनेशिया से या स्विट्जरलैंड से, हांगकांग से या न्यूजीलैंड से कर सकते हैं बराबरी, समझ रहे हैं आप लोग। एक तरह से आप समझिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो बिल्कुल पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, क्या उससे अपनी अपनी बराबरी या कंपटीशन करोगे, या फिर आप लोग जो सबसे ज्यादा पढ़ता है उससे कंपटीशन करोगे। आपको सफलता कब मिलेगी, कब आपसे कहा जाएगा कि हाँ आपने सही किया, आप अच्छा कर रहे हैं, जब आप लोग उस बच्चे से कंपटीशन करेंगे जो मेहनत कर रहा है। अगर पाकिस्तान हमसे पीछे रहता है, आगे रहते हैं, हमें क्या मतलब है। पाकिस्तान की स्थिति आप लोग जानते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति आप लोग जानते हैं, चाइना की स्थिति आप जानते हैं कि बोलने की कोई आजादी नहीं है यहाँ। एक समय 1947 की बात है कि आप समझिए कि एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की पाकिस्तान गई हुई थी, आज आप देखेंगे ना के बराबर हुआ है। तो आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में देख सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो यही हाल है कि यही मालूम नहीं चलता है कि वो घर से निकले लौट के घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। उन्हीं से हमारी तुलना की जाती है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में वेनेजुएला, सूडान और सीरिया को सबसे कम स्वतंत्र देश बताया गया है। तो याद रखिए वेनेजुएला, सूडान और सीरिया नीचे से टॉप कर रहे हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक क्या है आखिर, इसे भी देख लेते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है और इसका मापन व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। मानव स्वतंत्रता एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जो व्यक्तियों की गरिमा को महत्व देती है और यह मानव प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक एक ऐसा माध्यम है जो स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक आर्थिक घटनाओं के बीच संबंध को अत्यधिक निष्पक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही यह सूचकांक स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर संबंधों को भी उजागर करता है। एक बात और याद रखिए आप लोग, फिर चाहे आपका मानव विकास सूचकांक हो, फिर चाहे आपका आपके देश का लोकतंत्र के मामले में जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, खुशहाली सूचकांक हो आपका, स्वतंत्रता सूचकांक हो आपका, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, कैसे जुड़े हुए हैं आप खुद सोच लीजिए। जब आप खुश रहेंगे, यानी कि जब आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी, घूमने की स्वतंत्रता होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तब आप खुश भी होंगे और खुश होंगे तो उस देश का आप बोलने की भी स्वतंत्रता होगी, तो उस देश का लोकतंत्र मतलब अच्छा होगा, समझ रहे हैं आप लोग। यही है, यह भी सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका के केटो इंस्टीट्यूट
और कनाडा में फेजा इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर विकसित किया जाता है। ये सूचकांक में देशों को 0 से लेकर 10 तक के बीच रैंकिंग प्रदान की जाती है, जहां आप देखेंगे 10 का जहां सर्वाधिक मानव स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, वहीं 0 सबसे निम्न मानव स्वतंत्रता को अंकित करता है। यानी कि 10 नंबर आप देखते हैं ना कि एक तरह से आपको 100 नंबर का कोई पेपर हो रहा है, तो मान लीजिए 100 नंबर में आपको अगर 99 मिलते हैं तो आपकी बेहतर स्थिति है, और 0 मिलता है, 0 या 1 2 3 4 5 6, तो आपकी सबसे बुरी स्थिति का इंगित करता है। तो यही बात की जा रही है कि 10 अगर है आपका नंबर तो बहुत अच्छी बात है, और नीचे से अगर टॉप कर रहे हैं आप लोग तो बुरी बात है। इस सूचकांक में व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में आपके देखेंगे 76 पैरामीटर का सहारा लिया गया है। इसमें आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ, सुरक्षा और संरक्षण, आंदोलन, धर्म, एसोसिएशन, असेंबली और सिविल सोसाइटी, अभिव्यक्ति और सूचना, पहचान और संबंध, सरकार का आकार, कानूनी प्रणाली और संपत्ति का अधिकार, साउंड मनी, हार्ड करेंसी जैसे मौद्रिक संसाधनों तक पहुंच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, ऋण, श्रम और व्यवसाय का विनियमन। ठीक है, अगर बात करें विभिन्न वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति, तो अक्टूबर 2020 में लोकतंत्र पहरी स्वतंत्रता हाउस की रिपोर्ट ने दिखाया कि भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता लगातार तीसरे वर्ष गिरी है। आप समझिए कि ये अभी आपने देखा होगा 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, वहां आपने देखा नेट की कोई व्यवस्था नहीं थी, कॉल मुश्किल से लग पाते थे, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। ऐसे में अपने आप को रख के देखिए, आप क्या सोच सकते हैं। आज मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेट के बिना आप कुछ कर सकते हैं, संभव है। मुझे तो लगता है कि एक जीवन का एक अंश बन चुका है इंटरनेट, मोबाइल। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की 26 रैंक गिरकर 105 रही, और इसे भी कनाडा की फेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है, और इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में 142वें स्थान पर है। लगभग वही हाल है कि आप लोग 10th 12th में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा मैथ होता था, केमिस्ट्री होती थी, फिजिक्स होती थी, आपकी बायोलॉजी भी होती थी, और हिंदी इंग्लिश भी होती थी, और भी सब्जेक्ट आपके यहाँ अलग अलग हो सकते हैं। तो आप समझिए कि आपकी सब में सभी विषय में ऐसा नहीं कि किसी में आपकी अच्छी स्थिति रहो, सभी में नीचे स्थिति गिरी हुई है। तो मान लीजिए कि आपकी स्थिति में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, या तो आपको पढ़ाई के लिए अच्छी कोचिंग नहीं मिली हुई, या अच्छा माहौल नहीं मिला हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। तो वही हमारी भी रैंकिंग की बात की जा रही है। आप लोग उठा के देखिए, कोई भी रैंकिंग में हमारा अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। ये मत कहिए कि मैं बुराई कर रहा हूँ, नहीं बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझिए कि हमारे कई लोग कहते हैं कि हम देश बचाने के लिए नेता बने हुए हैं, हम अपने धर्म को बचाने के लिए। देखिए कभी भी ये मान लीजिए कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी धर्म को बचाएं, वही हाल है कि जिसने हमें बचा के रखा हुआ है उसे हम बचाने की बात की जा रही है। कभी कभी हंसी आती है कि बेटी बचाओ, आप सोचिए कि जिसे जो हमें जन्म दे रही उसे ही हम बचाने की बात कर रहे हैं, इतनी हमारी मतलब औखाद हो चुकी है। तो यही हाल है कि हमें मतलब सम्मान करना है। तो इसमें आप देखेंगे नेता अपनी रोटियों सेकते रहते हैं और उसी का परिणाम आपको देखने को मिलता रहता है। खैर छोड़िए, तो समय समय पर चलता रहता है, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तब भी वही, वो भी वही करती थी, और आज जिसकी सरकार है वो भी वही कर रही है, और आगे वाले समय में अब क्या होता है। तब इंदिरा गांधी के समय भी तो आप लोगों ने देखा था, हाँ, लेकिन उस समय और आज के में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस समय आप देखेंगे कि मीडिया को जितनी आजादी नहीं थी जितनी आज आजादी है। आप समझिए, अगर आपके पास भी आजादी तो मिल चुकी है, अगर आपको कोई परेशान करता है, आपके अधिकारों का हनन करता है, तो उस समय कम लोग जागरूक थे। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये आपको न्यायालय में जाने की एक तरह से छूट देते हैं, और सुरक्षा करेगा न्यायालय आपका, आपकी। और आप देखते हैं आप लोग कि आपके पास मोबाइल हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी गलत हो रहा है आप लोग वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, या फिर शिकायत करने के लिए भी कई आपके पास साइटें भी हो चुकी हैं उपलब्ध। तो हम लोग काफी मतलब स्वतंत्र हैं, लेकिन यही हाल है कि हम उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। अब मोबाइल का गलत उपयोग, गलत दिशा में उपयोग करने लगते हैं। आप समझिए कि अन्ना हजारे ने कितनी मेहनत की, आपको लोकपाल दिया हुआ है, सूचना का अधिकार भी लाया हुआ है, लेकिन कितने लोग उसका उपयोग करते हैं।
ये जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आपके भाग तीन में, संविधान के भाग तीन में, और आर्टिकल 12 से लेकर आपके 35 तक, ये समझिए आप लोग कि इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जीवन समाप्त हो गया इनका, कितने लोग शहीद हो गए तब जाकर ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो आसानी से मिली हुई कोई भी काम हो उसकी हमारे हमें अरे सामने कीमत नहीं होती, हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और जब हम उस काम को अपनी मेहनत मेहनत से पाते हैं तब हमारी नजरों में उसकी कीमत होती है। चल चलिए खैर छोड़िए, इन सभी सूचकांक को आप लोग विशेष तौर पर याद रखा करिएगा। भारत की स्थिति विशेष तौर पर याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है,